Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shesham School. I'm your mathematics teacher and today's video is for class 3rd. We are going to start a new chapter, that is chapter 11, time, in this video. So, let's get started. तो टाइम क्या होता है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत तो नहीं होगी. टाइम क्या होता है आपको पता है. इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि आप टाइम को किस तरीके से मतलब बता पाएंगे देख के, वॉच देख के कि कितना टाइम घड़ी में हो रहा है. तो देखिए, सोनू एंड मोनू एंड टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, सोनू मोनू नाम है उनका. दे अटेंड द सेम स्कूल एंड आर इन द सेम क्लास. वो दोनों सेम स्कूल में हैं और सेम क्लास में भी हैं. बोथ आर एक्साइटेड एंड दे गेट रेडी फॉर स्कूल. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं दोनों स्कूल जाने के लिए. देखिए, हरी अप मोनू, वी विल बी लेट, इट इज 7 o'clock. जल्दी करो मोनू, 7 बज गए. देखिए टाइम आ गया ना, 7 बजे. देखिए टाइम के बिना क्या है, हमारी जो डेली लाइफ है वो नहीं चल सकती. हम सारे काम टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हैं. देखियो, हैव योर ब्रेकफास्ट प्रॉपरली. उनकी मम्मा कह रही है कि आप अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपरली करो. तो देखिए, फिर क्या कहते हैं, वी स्टिल हैव सम टाइम, स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30. तो सोनू कहता है कि हमारे पास अभी और टाइम है क्योंकि स्कूल तो हमारा 7:30 स्टार्ट होता है. तो 7 से 7:30 के बीच हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम अभी और है. देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में क्या है, राइट द टाइम शोन ऑन ईच क्लॉक. टाइम बताना आपको. देखिए देखिए इसमें क्या है, ये जो छोटी सुई होती है ना, छोटी नीडल, इसको बोलते हैं हम हार. ये हार के लिए होती है, मतलब घंटे के लिए होती है. और ये जो बड़ी सुई होती है, ये होती है हमारे मिनट के लिए. ये मिनट हैंड बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको आर एम बोलते हैं. तो अब ये जो छोटी सुई जिस पे होती है, हम बोलते हैं उतना बजा है, लाइक 3 बजे हैं. अगर ये 12 पे है तो ये क्या बोलेंगे हम, ये 3 o'clock. टाइम कितना हो गया हमारा, हमारे पास, हम यहाँ पे 3 o'clock. तो यहाँ पे आप लिख देंगे ऐसे करके 3 o'clock. तो ये हमने 3 o'clock टाइम लिख दिया. नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब नेक्स्ट में क्या है, ये जो सुई है, जो हार हैंड है वो 2 और 3 के बीच में है. और क्या है, जो ये मिनट हैंड है वो 6 पे है. तो आपको मिनट हैंड का पता है कि 5 मिनट्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है. ये 5 मिनट, 10 मिनट, 25, 30. तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अब यहाँ पे टू हार हैंड 2 से आगे, लाइक 3 से आगे होती तो हम क्या बोलते हैं कि 3 बज गए हैं. लेकिन क्या है, 2 से आगे तो 2 बज के कितने मिनट हुए हैं, यहाँ पे 30 मिनट्स हो गए हैं. तो आप यहाँ पे टाइम ऐसे लिख देंगे 2:30. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में अभी 3 से आगे है और ये 7 पे है. तो ये 30 था, ये 35. तो ये हो जाएगा 3:35. नेक्स्ट आपका देखिए, जो हार हैंड है वो कहाँ है, 10 से आगे है, मीन्स 10 बज के, और ये 9 पे है, मीन्स ये 30, 35, 40, 45. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10:45 एग्जैक्ट टाइम हो रहा है. तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है. देखिए अब क्या है, आपको यहाँ पे नीडल्स बनानी है, हार हैंड बनाना है और मिनट हैंड, दोनों हैंड्स बनाने, दोनों सुइयां बनानी है. 10 o'clock, तो 10 बजे आपको पता है हार हैंड आप यहाँ पे बना लेंगे, छोटी सुई यहाँ पे और बड़ी सुई यहाँ पे, ये आपका टाइम इस तरीके से दिखा देंगे. नेक्स्ट देखिए, 6:15. क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4. लाइक ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है. क्वार्टर का मतलब 1/4. पास्ट 6 मतलब 6:15 का मतलब क्या है, 6 बजने के बाद 1/4 पार्ट और हो गया है. मींस छोटी सुई हम रखेंगे 6 पे और देन बड़ी सुई रखेंगे हम 3 पे, क्योंकि 1/4 तो यही होता है. अगर 6:15 का मतलब है ये, मतलब जो हमारे पास 4 quarters होते हैं, देखिए जैसे ये है, इसमें 4 quarters होते हैं, 1/4, 2nd, 3rd और ये 4th. तो आपको 6:15 बोला है, तो 6:15 हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट आपका 7:45. 8 के लिए बना देंगे आप सेम, दिस इज 8 एंड दिस इज, ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है. 3:30 मतलब 3 के बाद क्या है, हाफ. देखिए हाफ, क्वार्टर का मतलब 1/4 और हाफ का मतलब आधा, मीन्स 3 बजने के बाद 1/2 hour और बीत चुका है. तो 3 से थोड़ी आगे भी बना सकते हैं इसको, 3 से थोड़ा आगे भी, या फिर ठीक है. तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं. तो इस एक्सरसाइज को आप फिल कीजिएगा. आज के लिए हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे. टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय.